press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चीन के सामान का बहिष्कार करने के तहत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से 5G नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया में चीनी कंपनी हुआवे और जेटी कॉरपोरेशन को पूरी तरह बाहर रखने की मांग की है। CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए पत्र में लिखा है कि भारत की संप्रभुता और लोगों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों कंपनियों को 5G नेटवर्क से बाहर रखा जाए। CAIT ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सरकार ने जिस तरह हाल में 59 ऐप को प्रतिबंधित किया, उसी नीति का पालन करते हुए हुआवे और जेटी कॉरपोरेशन को 5G प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि FCC ने 30 जून को चीनी टेलीकॉम वेंडर्स हुआवे टेक्नोलॉजी और जेटी कॉरपोरेशन पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के FCC ने कहा है कि इन सभी कंपनियों की सब्सिडियरीज पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये दोनों चीनी कंपनियां और इनके सहायक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें कि पहले ही हुआवे और जेटी पर लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि वो चीनी सरकार के साथ अमेरिकी नागरिकों का डेटा साझा करती है। हाल ही में भारतीय सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। अब 5G नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया में चाइना की कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी और जेटी कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.